की अपडेट्स के हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। एजुकेटर्स जॉब्स जो कि 2021 में आने वाली हैं, अपकमिंग जॉब्स PPSA के थ्रू आएंगी। एजुकेटर जॉब्स के हवाले से जो भी आज सवालात होंगे आप लोगों के माइंड में, उन्हीं के जवाबात दिए जाएंगे आपको इस वीडियो में। मुकम्मल पॉलिसी के बारे में मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे, जिसमें आप ये समझ लें कि आपकी जॉब्स के हवाले से कन्फ्यूजन जो थी एजुकेशन में वो ख़त्म हो जाएंगी। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी अहम है जितना आप लोग परेशानी में घूम रहे होते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपकमिंग PPSA एजुकेटर जॉब्स में मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि पंजाब एजुकेटर जॉब 2021 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी को फॉलो करना लाजमी होगा, क्योंकि यहां पर पॉलिसी पहले की नहीं रही, अब काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। मैं यहां पर वो तब्दीलियाँ जो चेंजिंग्स आई हैं वो आपको बताऊँगा कि जो टोटल सीट्स होंगी वो होंगी 78,118, जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से खाली पोस्ट दिखाई गई है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जॉब्स PPSA के थ्रू न्यूज़पेपर में देने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब एजुकेटर्स की इस पॉलिसी में जो टीचर्स होंगे उनको हमने किस तरह से फॉलो करना है, उस लिए मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा और इसमें जितनी भी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो सारी बताऊंगा। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन विल बी एलिजिबल फॉर एज वेल। इसके अंदर पहली जो बात आपके माइंड में थी कि मास्टर लेवल के अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, जी बिल्कुल इसमें वो अप्लाई कर सकेंगे। अब डिग्री जो थर्ड डिवीजन वाली है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, देयर इज़ मोर बिग अनाउंसमेंट इज़ दैट दोज हु हैव अ डिग्री इन दी थर्ड डिवीजन कैन नॉट अप्लाई। 90% सीट्स ऑफ ऑल दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आर्स। अब ये सीट जो हैं वो 90% जो हैं वो आर्स की होंगी। उसके बाद जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी के अंदर BEd जो है मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री एंड कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकेंगे। अब इस एजुकेटर जॉब्स के अंदर जो कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी 78,000 हैं और एज लिमिट जो है 20 से 30 साल 8 साल जो रियायत है वो फीमेल के लिए है, 5 साल जो है वो उसके लिए मेल के लिए है। अब एज लिमिट फॉर मेल के लिए क्या होगी, 30 साल 5 साल की रियायत होगी, मतलब कंसेशन होगी। उसके बाद आपके पास होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक BA BSc मास्टर लेवल के 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई भी कर सकेंगे और पर डिमांड पोस्ट के नाम से अप्लाई करेंगे। ESC आर्ट्स का स्केल 9 होगा, जबकि ESC साइंस का स्केल 9 होगा। अब SC आर्ट्स का 14 होगा। ये ओल्ड स्केल थे जिनको अब अपग्रेड कर दिया गया है, मीन के सबसे छोटा जो स्केल होगा वो आपका 14वां होगा, मतलब 14 स्केल होगा। ये ओल्ड स्केल रिवाइज हुए हैं जो कि अब न्यू जो हैं वो मिनिमम जो स्केल है वो 14 का है। मैट्रिक 15%। हाँ जी, अब आप तय हैं बात के PPSA के एजुकेटर्स की जो जॉब्स होंगी उसके अंदर कैसे मेरिट बनेगा। मैट्रिक के 15% मार्क्स काउंट होंगे, इंटरमीडिएट के 20 मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन के भी 20 मार्क्स होंगे, मास्टर के 20 मार्क्स होंगे, MPhil अगर किसी ने किया हुआ है, PhD की हुई है तो 5 मार्क्स होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd के 5 मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे और जो टेस्ट आप दोगे PPSA का उसके 10 मार्क्स होंगे, 10% आपको मेरिट बनेगा। कैन नॉट अप्लाई थर्ड डिवीजन वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये बात आपको पहले से हम बता चुके हैं। अब उसके बाद जो 2021 में एजुकेटर जॉब्स की ऐड होगी वो बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाएगी। अब ये पंजाब भर में पहले जो न्यूज़ आती थी 38,000 की, अब जो टोटल मैंने आपको सीट बताई हैं 78,118 पोस्ट आएंगी टोटल, और बाद लोग सुन रहे हैं कि जो सीट्स अभी एजुकेटर्स की आएंगी वो साउथ पंजाब की आएंगी, ये गलत बात है।
ये साउथ पंजाब की पहले रिक्रूट होंगी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी आएंगी। ये नहीं होगा कि इसी में आएगी, बाकी में नहीं, पूरे पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब के अंदर ऐड आएगी, लेकिन तरतीब से, मतलब पहले जल्दी आ जाएगी, किसी और डिस्ट्रिक्ट की बाद में आ जाएगी, मतलब आनी सब की इकट्ठे ही है, एक ही सेशन में उन्होंने कंप्लीट करना है। उम्मीद है ये दोस्तों आपको कुछ सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई भी आपका सवाल है, तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो जल्दी जल्दी दे दूं और आपकी जितनी कन्फ्यूज़ है वो दूर कर दूँ। ये आप वीडियो आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई थी। अगर आप वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव डाटा हासिल कर चुके हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक करके मुझे हौसला अफजाई देंगे। आपका तआवुन रहेगा, ये अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।